यार अच्छा मिल रहा है, इट्स गोइंग टू गुड बाय गॉड्स ग्रेस. टेल अस समथिंग अबाउट द लम्हे, द सॉन्ग. So basically, Lamhe has based on Pulwama attack, which has happened with the Indian Army, and we have tried up to bring like you know, एक आप लोगों ने हमेशा मुझे ये देखा होगा कि romantic songs कर रही है, आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि okay, सिर्फ मतलब ऐसे वाले songs हो रहे हैं, but ये जो song है ये बहुत important है मेरे लिए, and I think आप लोग को गाना आज लॉन्च है और देख के पता चल जाएगा कि ये मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि एक आर्मी की वाइफ जो भी होता है उनके बाद कैसे उन लोग सर्वाइव करते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड ऑल दैट. सो ये बहुत प्यारा मैसेज है सारी जितने भी आर्मी में जो काम करते हैं उनके वाइफ के लिए एंड उनके फैमिली से. ओके, सॉन्ग की बात करें तो बहुत टच किया है लोगों को. तो आपने पर्सनली कोई आर्मी फैमिली से ऐसा कोई बात की हो जो आप पोर्ट्रे करने के इजीली ना? नो, टू बी फ्रैंक आई हैवंट मेट एनीबॉडी लाइक ओके, बट मेरे ऐसे एक फ्रेंड है और मेरे जो कजिन्स हैं वो आर इन आर्मी एंड ऑल दिस. तो या उनके साथ मेरी एक दो बार बातें हुई थी लाइक यू नो हाउ डू दे सफ़र. इट इज़ रियली नॉट ईजी टू बी इन आर्मी एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. बट देन या ऐसे मैंने किसी को पूछा नहीं, बट आई हैव जस्ट परफॉर्म माय 100%. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नो कमेंट्स अबाउट इट. आई मीन आई वुड नॉट लव टू से एनीथिंग अबाउट इट. But then, जो भी हो रहा है, I think it is not like about the game. हम लोग actually कॉम्बिनेशन पे जी रहे थे वहाँ पर, मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी. जो हम लोग अभी प्ले करने वाले सॉन्ग आई थिंक आप लोग को पता चल जाएगा. एंड मैं दीप को ये बोलती थी मेरे से होएगा ही नहीं, अभी ये सीन तो मुझसे होगा ही नहीं. बट ही यूज़ टू बी लाइक नो नो कैसे कैसे नहीं होगा. सो वी हैड मतलब अ वेरी वेरी टफ टाइम, बट हम लोग ने हमारा 100% परफॉर्म करने का ट्राई किया है. ओके दीजिए, तुम्हें आप दोनों से पहले जानना चाहिए ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सबसे पहले कब आया, क्या हमें पुलवामा अटैक को ट्रिब्यूट करना चाहिए? नहीं, हमने बेसिकली पुलवामा अटैक को हमने नहीं किया, मतलब कंसीडर नहीं किया, हमने जो भी आर्मी फैमिलीज को कंसीडर किया है. क्योंकि पुलवामा अटैक तो एक बेसिकली एक हो गया ना कि सिर्फ पुलवामा के ऊपर है. बाकी आप वीडियो देखेंगे आपको देखेगा उसमें पुलवामा को लेकर हमने कुछ नहीं है, ठीक है. बाकी ये है कि एक आर्मी की जो हमारी फैमिली होती है उनके मतलब क्या फीलिंग्स होती हैं वो सारा कुछ हमने इसमें मतलब लाने की कोशिश की. बस यही बोलना चाहूँगी दीप हसन को एंड मे को ये गाने को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, बिकॉज आई थिंक हम लोग ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसके लिए. और बोलिए कुछ पंजाबी में. बाकी कहने की गल ये है कि मतलब जो हमारी शूट लोकेशन थी वो हमारी दिल्ली से आई थिंक ऑलमोस्ट 26 आवर्स की हमारी ड्राइव थी. ड्राइव करके हम वहाँ गए और 5 days का हमारा शूट स्केड्यूल था. मतलब कोई और इनकी जो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि मतलब कोई टेंटरम नहीं कि मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी. जहाँ पे ठहराया वहाँ पे रुकी, जो खिलाया वो मतलब सिर्फ मैगी मिल रही थी वहाँ पे एक्चुअली. और हम लोग सिर्फ पूरी टीम मैगी पर जी रहे थे वहाँ पे, बिकॉज जो काजा करके प्लेस था वहाँ पर देर इज़ नो मतलब ज़्यादा यू नो वहाँ पर नेटवर्क नहीं था. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई चीज़ें फैसिलिटीज़ नहीं थी वहाँ पर, लेकिन फिर भी आपको वीडियो में ऐसा कुछ दिखेगा नहीं कि मतलब इतना किया हुआ, क्योंकि एक्ट इतना अच्छा किया है. गाने की स्टार्टिंग में ही मतलब दिल जीत लेती है हमारी ट्विंकल कपूर. ओके, अब वो तो नो डाउट मैम इतनी खूबसूरत दिखते तो दिल तो जीतेगी नहीं, बट ये सॉन्ग में एक्चुअली आप लोग मुझे ऐसे देखोगे कि मतलब हमेशा एक डिफरेंट रोल है इस गाने में. ये सॉन्ग में आई थिंक दीप ने जो आई थिंक मेरे में चेंजेस लाए थे पूरे लुक में. आई थिंक आप लोगों ने ट्विंकल कपूर को ऐसे कभी नहीं देखा होगा. दैट्स फॉर श्योर. सिंगिंग करने में ट्राई करना चाहेंगे आप? ये तो मैं भी सुनना चाहूँगा. मेरा आवाज़ बिल्कुल अच्छा नहीं है, बट अगर दीप मुझे ट्रेन करेंगे तो फिर श्योरली मैं सोचूंगी. तो पक्का पेट पे लात लगेगी अपने. तो यार ऐसे मैंने सोचा नहीं कि कभी मैं किसी सॉन्ग में गाना गाऊंगी, बट अगर हाँ थोड़ा सा आवाज़ ठीक था तो फिर श्योरली आई ट्राई. नहीं करेंगे, अगले कुछ अगर हम प्रोजेक्ट्स करेंगे तो फिर जरूर कोशिश करेंगे. ओके, मैं वही बोलने वाला था. और बाय द वे हमारा एक ही प्रोजेक्ट नहीं है, वी आर कमिंग अप विद आई थिंक अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन फ्यूचर. सो ऐसे हम कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे. बाकी ये जो हम जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं इसका लाने का ये मकसद ये था कि अब तक ट्विंकल कपूर का जो भी लोगों ने एक वो रूप देखा है या जो भी उनकी वो है, मतलब कहते हैं ना एक वो होता है कि हाँ यार इसकी ये प्रोफाइल है, इनकी ये प्रोफाइल है, बिल्कुल ओपोजिट है. बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते कि क्या परफॉर्म किया है ट्विंकल कपूर ने. सो लास्टली दर्शकों को क्या कहना चाहिए? ऑलरेडी आ चुके बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स, क्या कहना चाहिए? मैं सारे जितने भी लोग हैं जो मेरे वेल विशेस हैं उनको ये बोलना चाहूँगी, जैसे आज आई थिंक ये पोस्टर मेरा मैंने वायरल किया है, सो आई थिंक आई कैन सी इट ऑल ओवर. सो ऐसे ही प्यार देते रहना एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, बिकॉज आप लोग हो तभी मैं हूँ.
आप लोग जितना मुझे प्यार दोगे उतनी मेरे और थोड़े फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे। ऑब्वियसली बात है कि ऑडियंस के बिना तो कोई भी आर्टिस्ट बेशक मॉडल हो या सिंगर हो वो नहीं हो सकता। करेक्ट करेक्ट। लेकिन ट्विंकल को ऑलरेडी बहुत प्यार मिलता है तो मुझे लगता नहीं कि इस गाने के लिए कोई हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट डेट ही है गाना, बाकी देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।